एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस राम राम जी सभी को और स्वागत है आप सबका हमारी योगा क्लास में और हमारी योगा क्लास शुरू हो चुकी है संपूर्ण योगा क्लास का दूसरा दिन है जो चैलेंज है तीस दिन का उसका आज दूसरा दिन है इसमें हम हर एक बीमारी के मोटापे के शुगर के जोड़ों के दर्द के बहुत सारे एक साथ लेकर चले हुए हैं योगासन अभ्यास मन संबंधी प्राणायाम भी आप देखते रहिए और करते रहिए साथ के साथ दोनों हाथों तो को सीधा श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए सामने और कुछ आसन ऐसे होते हैं जो कमर दर्द वालों के लिए नहीं करने होते आगे नहीं झुकना है कमर दर्द वालों को ये तो पता ही है इतने हम बता चुके हैं सर्वाइकल वाले हैं तो कर दर ना झुकाएँ भी चक्की चालन शुरू हो चुका है लो बाजरा गुज़रा मक्की वक्की सर्दियों का समय है और सारी बहनें बहुत ही शानदार तरीके से चक्की चालन क्रिया कर रही हैं जितना पीछे जाओ उतना अच्छा है कोनिया मुड़ने चाहिए और इसमें चक्की चालन में पेट पीटू को पूरा मरोड़ी लग जाती है अब उल्टा रहे हैं जितने बार एक साइड से करेंगे उतना ही हम दूसरी साइड से करेंगे चक्की चालन बहुत ही बढ़िया क्रिया है ये चक्की चालन की इसे अगर हो जाए ना अच्छे से गिनती में करें पाँच सौ एक साइड पाँच सौ दूसरी साइड पचास पचास के सेट बना लें और तब करें और फिर देखें कितने जल्दी हमारा पेट पे टूप और कमर पतली हो जाती है पेट चिपक जाता है पेट टूक खत्म हो जाता है और जो थाइज़ हैं वे भी बिल्कुल सुंदर सुडोल हो जाती हैं अब आगे भी तितली आसन तितली आसन घुटनों का दर्द है तो रहने दें क्योंकि तितली आसन में जब हम घुटने मोड़ते हैं तो उसमें और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है कोशिश करें जो घुटनों में दर्द हो तो अपने घुटने मोड़े ना चोकड़ी लगा कर ना बैठें बज्र आसन में ना बैठें इन चीज़ों का खुद ही ध्यान रखना होगा बार बार कोई याद नहीं दिलाएगा अगर वही छोड़ते हुए अपने मत्थे को अपने पैरों में टिका दें ऊपर आएंगे तो लंबा गहरा श्वास नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए सारे योग अभ्यास हमारे सासों के द्वारा है और कई कई आवृत्तियों कर रहे हैं सारी बहने बहुत ही अच्छा कर रही हैं भाई और भाई बहनों सभी किया करो योगाभ्यास और फिलहाल तो मेरे भी एक घुटने का ऑपरेशन टल चुका है नहीं मैं गिर गई थी तो मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि चीरा लगा लगेगा घुटने में तो उसकी मैं वीडियो बना कर डालूंगी देखो कैसे योग अभ्यास से ऑपरेशन घुटने का टला है मेरा अभी छोरी थोड़ा बहुत बातचीत कर रही हैं कोई तितली आसन कर रही हैं कुछ बात कर रही हैं अब अगले आसन की तैयारी अगले आसन की तैयारी पेट के बल लेट गए हैं सभी गैस संबंधी मकरासन पेटू खींचेगा इसमें और गैस किसी को एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं बनेगी पहले एक एक पैर से सांसों के साथ साथ फिर दोनों पैरों से एक साथ पीछे से जोर से मारे अपने एड़ियों को अपने हिप्स पे पता लगे पूरे शरीर को शहबाश सभी बहनें बहुत ही अच्छी कर रही हैं अब बीच में लंबा गहरा साँस लेकर अगले आसन की तैयारी और शुरू हो चुका है भुजंग आसन पूरी भुजाएं खोल दे पूरे हाथ कोणिया मोटापे के लिए रामबाण हवे जैसे कलेजा उभर जाता है ऊंचा-ऊंचा हो जाता है बहुत ही बद्धा लगता है और वक्स से बेडोल हो जाते हैं उनके लिए हैं और गर्दन के आसपास जितना फैट है भुजाओं के और पीछे गुद्दी पर भी एक कुबड़ा सा हो जाता है ऊंचा सा गद्दी सी वो भी खत्म हो जाती है बम्प बन जाता है जो और भाई अब आराम करें विश्राम करें बालासन था एक साइड का अब वापिस आगे हैं हथेड़ी पर हथेड़ी रखी हुई हैं और पूरी बुझाएँ खोल रखी हैं श्वास भरते ऊपर श्वास भरते नीचे ये भाई मोटे मोटे हाथों के लिए रामबाण है ये आसन कोणियाँ पूरी खुलनी चाहिए पूरी खुलें पूरे ऊपर तक जाए फिर नीचे आए एक एक आसन हमारा राम बाण है हाँ सारी बीमारियों को खो देगा आपको सुंदर और स्वस्थ और सुडोल बना देगा और मन से भी आपको क्योंकि हम प्राणायाम करेंगे बाद में मन संबंधी हम शरीर शरीर को हष्टपुष्ट नहीं रखते हैं मन को भी हष्टपुष्ट रखना बहुत ही जरूरी है अब ये बालासन में आगे दूसरी तो साइड के विश्राम कर रहे हैं अब वापिस आए करते रहें करते रहें सभी बहनें बहुत ही अच्छा कर रही हैं पैर को पीछे पूरा खींच देंगे सीधा और ना अभी तक के शरीर को टिका कर रखेंगे टिका कर रखें ना अभी तक के शरीर को जमीन में गडा कर रखें और पैरों को पूरा आगे पीछे करें सीधा का सीधा करें सीधा खींच के रखें अब सल दोनों हाथ जंगाओं के नीचे अथेड़िया ऊपर और एक एक पैर बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट उठाएंगे पंजे को पूरा पीछे खींच देंगे ठोडी जमीन पर नजर ऊपर की साइड आसमान की साइड पुतलियां चढ़ाकर रखेंगे बारी बारी से ये सारे हमारे पेट पे टू फुल बॉडी वर्कआउट है हमारा और अब जो दोनों पैरों से एक साथ कर सकता है दोनों से करे कमर दर्द है तो एक एक पैर से करें अब अगले आसन की तैयारी होगी वही हमारी विष्णु पोज है साइड करवट लेके और पूरा पैर ऊपर उठाएं जितना उठा जाए साइड में करके बड़े हुए पैर को सीधा रखेंगे आपको हर एक वीडियो के बारे में हम साथ के साथ एक्सरसाइज के बारे में बताते जाएंगे और आप हमारे साथ करते रहना गारंटी के साथ है जो भी बीमारी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी सीधा आगे और सीधा पीछे गिनती के साथ एक का आते जाते देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दूसरी साइड से करेंगे अब एक साइड से हो गया देखो ये चैलेंज बहुत ही तगड़ा है और ये कोई देखेगा भी विरलाई <laughs> पूरी पूरा वीडियो कोई विरलाई देखेगा है ना एवा यहाँ से ना देखा जाए जो एवाई होते हैं ना ये तो बस थोड़ा अगर शुरुआत सी करके एड स्किप करके फिर देखेंगे थोड़ा बहुत तो नहीं तो नहीं कैची चलाएंगे पैरों से हमारे खड़े उकोने वाले आसन थे बैठ के थे पेट के ऊपर लेट के थे और तिरछे साइड दोनों साइडों से अब आगे हम पीठ के बल करेंकटासन दबा कर रखें अपने एडी पेडी घुटने पर घुटना एक पैर पर दूसरे पैर को चिपका कर रखें पूरा जमीन पर चिपका दे गर्दन राइट पैर लेफ्ट हाथ कंधों के बराबर सीधे रखा जमीन पर बारी बारी से दाएं बाएं दाएं बाएं करते रहेंगे कमर दर्द के लिए राम बाणासन है मरकटासन। मरकटासन का पहला भाग है ये और जब दूसरा करेंगे तो पैर खोल लेंगे खोल लिए हैं कंधों के बराबर ऊपर वाले पैर का, नीचे वाले पैर की एडी पटकी गर्दन राइट पैर लेफ्ट दाएं बाएं दाएं बाएं दाए दाए गिनती के साथ है कमर दर्द में तुरंत आराम लगना शुरू हो जाता है गारंटी है लिखवा कर ले लो बेसक ये तीसरा भाग है हाथ की तरफ ले जाएंगे जिसका जहाँ तक जाए उतना ही करें ज़्यादा दिक्कत ना करें और शुरुआत में तो धीरे धीरे करें जो परफेक्ट हो रहे हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है वो तो फटाफट हाथ के पास ही पैर जाएगा उनका तो सीधा अब अगले आसन की तैयारी लंबे गरी सांस लें और छोड़ें एक एक पैर से बड़ा बड़ा जीरो ये देखो जिसका बड़ा जीरो उसका छोटा पेट पतली कमर चिपका हुआ पेट पेटू तो, पतली पतली थाइज हो जाती है जितनी बार एक साइड से करते हैं उतनी बार दूसरी साइड से करेंगे गिल लें अगर आप पंद्रह एक साइड से करते हैं तो पंद्रह दूसरी साइड से रिवर्स करके करेंगे जितने एक बार एक पैर से किए हैं अब उतने दूसरे पैर से करेंगे और बड़े से बड़ा जीरो ये तो आपको पता ही है जीरो बड़े से बड़ा बढ़ाना है चाबास लकीर बीच में रुक जाती भी बच्चा पार्टी रुक जाती है अब दोनों पैरों से एक साथ अब उल्टा कर ले चाबास बहुत अच्छा किया दोनों पैरों से सभी बहनों ने विश्राम साँस ले लम्बर तीन हिस्सों में करके छोड़ दें फिर अगले आसन की तैयारी में लग जाते हैं अब आगे हमारी साइकिलिंग दोनों पैरों से बारी बारी से गिनती में करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः और भी कमर में दर्द है तो एक एक पैर से करें और घुटने में दर्द है तो बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ करें जहाँ लगे का दर्द है वहीं रुक जाओ अब हमारी लाल पेंट वाली बहन को दर्द है वही एक भयंकर ये शादी में गई हील की चप्पल पहन गई वैसे घुटनों में दर्द है तभी अपने कपड़े लत्ते कार उडन पहन का भी ध्यान रखा करो कौन सी चीज़ हमारी कौन सी बीमारी में परेशान कर देगी अब हील पर साड़ी पहनो या सूट पहनो जीन्स कुछ भी पहनो उस हील्स पर सब अच्छी लगती है मगर घुटनों में दर्द है कमर में दर्द है स्लिप डिस्क है और यहाँ तक कि जिसको सर्वाइकल है वो भी ना पहने ऊपर तक परेशानी खिंच जाती है नसें। तो ऐसे हमारे वीडियो में कोई ना कोई आपके लिए छोटी मोटी जानकारी ऐसी मिल जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अभी बीच बीच में तित आसन कर लेते हैं लेट कर विश्राम के लिए बोल रखा है मगर अब इनको थोड़ा सा ये है भाई फार्मूला हमारा तीस साठ और फिर नब्बे तीस डिग्री पे पैर उठाकर रोक कर, कर रखेंगे पंजों को पीछे की साइड खींच कर रखते हैं और दस गिनते हैं दस गिनने के बाद फिर साठ पा आ जाते हैं फिर साठ पर दस गिनते हैं फिर नब्बे पा जाते हैं, हैं। पैरों को ऊपर नब्बे डिग्री ले आते हैं फिर नब्बे पर दस गिनते हैं फिर वापस साठ पा आ जाते हैं साठ पर दस गिनते हैं फिर तीस पा जाते हैं तीस पर दस गिनते हैं फिर तीस और साठ के बीच में ऊपर नीचे पैर करते हैं विश्राम लेव दोनों हाथों पर सशांत कासन सांस छोड़ते पीछे सांस भरते ऊपर सासों के साथ राम आसन है ये मजबूती लाने के लिए शरीर में बहुत अच्छा कर रही वही करती रहो करती रहो शबाश अब पूरा जमीन में लेट कर फिर एक बार उठे फिर वापस शरीर पर पड़ते प्रभाव पर ध्यान दें करते रहें करते रहें अच्छा कर रहे हैं सभी बहनें गिनती में करते हैं ये अब आ गया मंडूकासन मंडूकासन में बाती करे भी सोगर के लिए मोटापे के लिए राम है और ऊपर से कपाल बाती सोने पर सुहागा अब हथेड़ी पर हथेड़ी रखेंगे और नाभिक के ऊपर रख देंगे अभी हथड़ी का गड्ढा है ना जो नाभिक के ऊपर रखेंगे श्वास को बाहर फेंकते हुए हाथों को दबाते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे धीरे से गर्दन ऊपर की साइड रखेंगे हिप सेडी टिका कर रखेंगे कपाल भाती के स्टोक लगा दे जिससे जितने लगते हों दस बीस तीस चालीस पचास साठ सौ जितने भी लगते हों सोने पर सुहा है ये आगे चुके पीछे पैर पकड़ ले पीछे से पैर अपने शाश बहुत अच्छा करे धीरे धीरे और पूरी अच्छी तरह आ जाएगा अब अगले आसन की तैयारी के लिए क्या करना है अभी देखो भी बैठ गए हैं अब आज हमारा प्राणायाम से भस्त्रिका करते रहें लंबा गारा श्वास भरें और वहीं से श्वास को छोड़ते रहें भस्त्रिका ये सांसों के साथ भी करते हम जैसे हाथों को सामने लेके आते हैं तो श्वास को छोड़ दें और श्वास को पीछे लेकर जाते हैं तो श्वास को लंबा गारा खींचें और फेफड़ों को फूलने की फैलने की जगह पूरी मिल जाती है तो ये अलग अलग नई नई टेक्निक हैं जो हम अपने वीडियो में प्रयोग करते हैं साधकों के साथ साधक भी करते हैं हम भी करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं आप भी करके देखिए और रिजल्ट देखिए सामने आए कमेंट्स बॉक्स में बताना भाई अब करेंगे हम कपाल भाती कपाल भाती आप भजन के साथ कर सकते बोरना हो बोरना होगे और राम बाण आसन है मजाक करोगे मेरा आप के तो सारे राम बाण होते हैं हाँ जी हमारे <laughs> सारे राम बाण 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 राम बाण <laughs> सारे रामबाण आसन होते वही हमारे और आप खुद करोगे ना हमारे साथ या जहाँ भी आपके आसपास योगा है योगा क्लासेस हैं वहाँ करोगे तो आपको पता लगेगा अगर आप दस दिन पंद्रह दिन अपने आप को धक्का मार कर वहाँ ले गए ना क्लास में फिर तो आप आदत पड़ जाओगे शरीर कहेगा चलो भागोग इस तरह छोड़ो क्योंकि उसके बेनिफिट इतने हैं कि बस हम बयान नहीं कर सकते जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट खुद सामना आ जाएगा हम कुछ कहेंगे कहेंगे इनका तो हरदम यही है वीडियो में डिंगे मारते रहते हैं योगा से यो वोगा से क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो योगा को पसंद नहीं करते हैं शरीर को हिला हिलाना डुलाना नहीं चाहते हैं बस उनको तो ऐसी टेबलेट दे दो खा लिए तो कब्जी टूट जाए दस्त लग गए तो फिर घोड़ी में दस्त के दे दी तो बस ऐसी चाहिए गोली पेन किलर सिर में दर्द हो गया था पेन किलर टी के आगे बैठे रहते हैं फोनों का हाथों में ले बैठे रहते हैं आँखों की दिक्कत है। तो हमारा प्राणायाम का सेशन चला हुआ है भाई मन संबंधी हैं ये सारे प्राणायाम अभी तक हमने कितना शरीर को खींच खींचा ताड़ा ताड़ा मोड़ा तोड़ा हर एक तरह से अंदर जैसे भी गैस हैं अजीब अजीब तरह की सारी बाहर निकाल दी है और शुद्ध ऑक्सीजन हमने अंदर भर ली है और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है उसने शुद्ध ऑक्सीजन युक्त खून हर एक शरीर के कोने में लेकर जा रहा है वही भूखे को रोटी और पैसे को पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए शरीर भी खिल उठ जाता है फिर अब देखो ये कर रहे हैं मुंह बंद भी लगा लिए हैं और अब अग्निसार क्रिया श्वास को पूरा भारक फेंक कर फिर पेट में स्टोक लगाते हैं इस तरह पेट को ऊपर करते हैं जैसे समुद्र में लहरें हैं और गिनते हैं अपने उन स्टोकों को कितने लगे दस पंद्रह बीस तीस और भी ज़्यादा इससे हमारी नोड़ी क्रिया करने में सहायता होती है हम इनके अभ्यस्त हो जाते हैं तो नोड़ी क्रिया करने के काबिल हो जाते हैं भाई पैरों को पटक ले बहुत टाइम हो गया है क्योंकि अब हमारी मन संबंधी प्राणायाम होंगे अभी तक तो अपने स्थूल शरीर को ठीक करने की थी अब हमारे सूक्ष्म शरीर को ठीक करेंगे मन को अनुम विलोम के द्वारा सबको पता है अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है अनोम विलोम कैसे करते हैं पर इसमें श्वास को इतना धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचें भरें फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर की साइड अनुलोम विलोम एक तरफ से लें दूसरी तरफ से छोड़ दें उसी तरफ से श्वास लें पहले वाली तरफ से छोड़ दें ऐसे करना होगा ये अनुलोम विलोम मन को शरीर में अस्तित्व करने के लिए रामबाण प्राणायाम शुरू हो चुकी हैं अनुलोम विलोम शरीर का तापमान सम बराबर ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा बस एक जैसा रखने में सहायक है ये रामबाण है प्राणायाम डिप्रेस्ड हो जो आदमी उसके लिए इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं लोग कि कुछ नहीं रखा जिंदगी में खो दो जिंदगी को उसको बस यही दिखता रहता है इतना डिप्रेस्ड हो जाता है और ये नहीं पता जिंदगी कितनी अनमोल है भगवान ना पता नहीं कितनी जो भुगत का आए हैं तब ये इंसान का रुपचोल्ले में ये आत्मा आई है और इसको आप फिर ऐसे गड्ढों में डाल रहे हो चौरासी के फेरों में तो ये बहुत ही गलत बात है भगवान मारे तो मारे <laughs> खुद ना मरे भाई भाई बहनों ये तो वैसे भी पाप है आत्महत्या करना भगवान भी माफ नहीं करता है फिर ऐसे भूत प्रेत योनियो में घूमते रहना कोई कहीं बंद करवाएगा कोई कहीं पिएगा चिमटा मरवाए पाओगा कोई की तरह पकड़